रेफ्रिजरेटर बाजार में एक बार फिर नंबर वन पर आने वाली सैमसंग ने भारतीय बाजार में एक ऐसा उत्पाद लॉन्च किया है जिसकी जरूरत संभवतः पूरे देश में है। कंपनी ने कर्ड मेस्ट्रो के नाम का एक नया रेफ्रिजरेटर लॉन्च किया है जिसको दही जमाने की व्यवस्था है। सैमसंग इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस राजू पुल्लान ने बताया है कि पहली बार दुनिया में इस तरीके का रेफ्रिजरेटर तैयार किया गया है जो फूड को प्रोसेस भी करेगा। इसके लिए देश भर में बड़े पैमाने पर अध्ययन व नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ विचार विमर्श के साथ किया गया है। कर्ड मेस्ट्रो रेफ्रिजरेटर को दही जमाने के लिए कुछ अलग सा बॉक्स बना हुआ है। दूध को गर्म करके इसको ठंडा किया जा सकता है। इसमें कई और गुण भी हैं। रेफ्रिजरेटर की कीमत 30,990 रुपए से लेकर 45,990 रुपए तक तय की गई है। इस रेफ्रिजरेटर की दूसरी खासियत यह है कि इस्तेमाल के आधार पर इसमें जगह बनाई जा सकती है। यानी अगर ज्यादा सामान है फ्रिज में रखना है तो फ्रीजर में इस्तेमाल बदलाव किया जा सकता है। इस तरह किसी घर में फ्रीजर का ज्यादा इस्तेमाल होता है उसके लिए भी जगह निकाली जा सकती है। शोधकर्ताओं ने सर्जरी में एक नई प्रक्रिया विकसित की है। इसमें टूटी पसलियों को जल्दी से जोड़ा जा सकता है। इसमें दर्द का सामना नहीं करना पड़ता है। मौजूदा उपचार में टूटी पसलियों को जोड़ने की प्रक्रिया में लंबे समय तक दर्द का सामना करना पड़ता है। अमेरिका के करीब एक दर्जन मेडिकल सेंटर के शोधकर्ताओं ने सर्जिकल स्टेबलाइजेशन ऑफ रिबर फ्रैक्चर प्रक्रिया का परीक्षण किया है। इस प्रक्रिया में फ्रैक्चर के दोनों छोर को एक प्लेट के जरिए जोड़ा जाता है। यह पसली को दुरुस्त होने पर पूरी प्रक्रिया के दौरान लगा रहता है। 3 से ज्यादा पसलियों के टूटने के कारण SRF से गुजरने वाले रोगियों को इस प्रक्रिया में मामूली दर्द होने की बात कही है। मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना के सर्जन एर्बर्ट एरिकसन ने कहा है कि शोध से जाहिर होता है कि फेफड़ों की समस्या से पीड़ित लोगों को भी इस प्रक्रिया से बहुत लाभ होगा। चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना वायरस के फैलते प्रकोप पर लगाम लगाने की कोशिश के तहत चीन ने अपने मुख्य शहर वुहान को पूरी तरीके से बंद यानी कि लॉकडाउन कर दिया है। चीन के हुबई प्रांत की सरकार ने वुहान शहर में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए स्थानीय लोगों को शहर छोड़ने की पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। चीन में कोरोना वायरस से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। 11 मिलियन वाली वुहान शहर में रेलवे, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट समेत सभी प्रकार के यातायात बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित वुहान हुआ है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार हुबई प्रांत की सरकार में वुहान शहर में कोरोना वायरस का प्रकोप देखते हुए स्थानीय लोगों को शहर छोड़ने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है ताकि वायरस के फैलने से रोका जा सके। अवंतीपुरा में आतंकियों व सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में शहीद SPO शाहबाज अहमद को सुपुर्दे खाक पूरे सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान प्रशासन के अधिकारियों के साथ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। SPO शहनाज अहमद अवंतीपुरा में मंगलवार को एक एनकाउंटर में ऑपरेशन में भाग ले रहे थे। वो पुलिस दल का हिस्सा थे। आतंकियों की गोली लगने से वो शहीद हो गए। बुधवार शहीद का पार्थिव शरीर श्रीनगर से जम्मू और फिर मंजाकोट लाया गया जहां वरिष्ठ अधिकारियों ने शव को मंजाकोट के हेलीकॉप्टर पर प्राप्त किया जहां से शहीद के पैतृक गांव हयातपुरा में लाया गया। हयातपुरा गांव में एक पुष्पांजलि समारोह में जम्मू और कश्मीर पुलिस, नागरिक प्रशासन, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लेकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पैतृक कब्रिस्तान में उसे सुपुर्दे खाक कर दिया गया। दिल्ली में भी मुंबई की तर्ज पर 24/7 मार्केट खुले रह सकते हैं। अगर इस बार चुनाव में आम जनता पार्टी जीत जाती है, इसके साथ ही केजरीवाल की पार्टी के घोषणा पत्र में पॉलीक्लिनिक में डिटैच त्वचा रोग विशेषज्ञ और मेंटल हेल्थ के
लिए भी अलग व्यवस्था होगी। चुनावी मुद्दों में प्रीमियम बस सर्विसेज, बेसहारा लोगों के लिए शेल्टर होम और कई छोटे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण शामिल है। 3 सदस्यों की कमेटी जिसकी प्रमुख आतिशी है ने पार्टी के लिए काफ़ी रिसर्च और विचार विमर्श के बाद घोषणा पत्र तैयार किया है। दिल्ली में आप सरकार के शिक्षा क्षेत्र में किए कार्यों के पीछे भी आतिशी को ही माना जाता है। Shopee, J&K's biggest mobile wholesale cum retail outlet.